नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर गण के तंत्र की बात की जाए तो पूरा देश अपने पुराने योद्धाओं और अपने पुरखों को याद करता है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराया और हमें गुलामी से खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी। लेकिन इसी बीच जानकारों की माने तो किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने या फिर उसको जनता तक पहुंचाने के लिए नारे, कलर और एक सशक्त नेता की जरूरत होती है, जिसके नीचे लोग एक साथ आ सके। तो आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले भारत की शान, देश के लोगों के जज्बात और लाखों आजादी के दीवानों की आन बान शान तिरंगे की बात करेंगे कि आखिर भारत के तिरंगे को कैसे भारत ने अंगीकार किया और आज जो तिरंगा आप देख रहे हैं ये कैसे मूल रूप से आपके सामने आया। आज से ठीक 15 दिन बाद जब पूरा देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा होगा तो ये भारत का 72वां गणतंत्र दिवस होगा। इस बेहद खास दिन को राजपथ पर देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह की शुरुआत करेंगे। आपको जानकारी होगी या आपने देखा होगा कि जब पूरी दुनिया के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो लोग कम पहचानते हैं लेकिन उनके झंडे को देखकर लोग बता देते हैं कि ये फला देश का झंडा है। जानकारों की माने तो दुनिया में हर स्वतंत्र देश का अपना एक झंडा होता है। झंडा एक स्वतंत्र देश का प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी तरह 15 अगस्त 1947 को भारत के मतवालों ने भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कराया था। उसके कुछ दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक हुई और उसी बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। भारतीय तिरंगे में तीन रंग होते हैं और तीनों रंगों की अपनी अपनी एक कहानी है और उन्हीं तीन रंगों की वजह से भारत के इस झंडे को तिरंगा भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है जो बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग के बराबर अनुपात में बटी होती है। भारतीयों के आन बान शान तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई 2:3 होती है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां लगी होती हैं। इस प्रतीक को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और यहां पर आपको ये भी जानकारी देते चले कि अशोक ने जब इसे अपनाया तो मुंडोकोपनिषद से अपनाया था। शुरुआती दौर में भारत का तिरंगा ऐसा नहीं था। काफी बदलावों और विचारों के बाद, वाद विवाद और तरह तरह की चर्चाओं के बाद हमारा आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान स्वरूप में आया है। भारतीय तिरंगे का जो स्वरूप आप आज देख रही हैं, वो झंडे के विकास की एक लंबी कड़ी के कई पहलुओं से गुजरकर संभव। राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, जिन्होंने अलग अलग झंडे को अलग अलग रंग और पहचान दी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला स्वरूप स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में पारसी बगान चौक, पहले का कलकत्ता और आज का कोलकाता में फहराया गया था। उस वक्त भारत का ध्वज तीन रंगों का था जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इन पट्टियों में कुछ प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए थे। हरे रंग की पट्टी में 8 कलम के फूल, लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज और बीच में पीले रंग की पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मैडम भिकाजी कामा ने साल 1907 में पेरिस में भारत के कुछ क्रांतिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया था। ये भी पहले ध्वज की तरह ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि प्रतीक थे। नीचे की पट्टी का रंग गहरा हरा था जिसमें सूरज और चांद अंकित किए गए थे। फिर साल 1917 के होम रूल आंदोलन की आड़ में तीसरे राष्ट्रीय ध्वज को रूप दिया गया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी जिसके अंदर सप्तऋषि के 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी मौजूद था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। फिर साल 1921 में विजयवाड़ा में हुए भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक झंडे का इस्तेमाल किया गया जिसे चौथा राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। तीन रंगों की पट्टियों में गांधी जी के चरखे के प्रतीक को दर्शाया गया था। इस झंडे में तीन रंग, सफेद रंग के अलावा लाल और हरा रंग, जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। साल 1931 में अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज हमारे आज के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के बहुत करीब पाया गया।
इस झंडे में तीन रंग, केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। सफेद पट्टी के बीचों बीच गांधी जी के चरखे का प्रतीक बनाया गया था और आज जो भारतीय तिरंगे का रूप आप देख रहे हैं, इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की झंडा समिति की तरफ से लिया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कमेटी की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप दिया, जिसमें तीन रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सिर्फ इतना ही इतिहास नहीं है। साल 1921 में महात्मा गांधी ने भी एक झंडे का सुझाव दिया था। इसमें दो रंग थे, लाल और हरा। इसे पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसमें बीच में चरखा बना हुआ था। साल 1931 में खिलाफत आंदोलन के समय तीन रंगों का झंडा सामने आया, जो कांग्रेस का झंडा बना और फिर इसे ही परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया। खिलाफत आंदोलन के समय झंडा स्वराज इंडिया का था। यहाँ पर एक बड़ी और दिलचस्प जानकारी आपको देते चलें कि आजादी के बाद तिरंगा झंडे को फहराने की इजाजत सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही थी, लेकिन साल 2002 में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाकी दिनों में भी फहराने की मंजूरी दे दी। उसके बाद साल 2005 में इसे कुछ वस्त्रों में भी तिरंगे झंडे के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। तो अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि भारत की आन बान और शान तिरंगे की कहानी क्या है। अब चूंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है, इसीलिए देश के वीर सपूतों, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, वीर योद्धाओं की कहानी हमने आपको बताई और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, जिससे आपको भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी मिल सके। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।